हेलो स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन इन हिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट्स, क्लास 12th हिस्ट्री में हम रिवीजन कर रहे हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर्स का। एक और न्यू चैप्टर है हमारा एंड दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स 16th-17th सेंचुरी अबाउट मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य के बारे में हमारे चैप्टर्स हैं। तो स्टार्ट करने से पहले चैप्टर्स को, we start our class with a nice thought and the thought is success is not the key to happiness. Success is not the key to happiness but happiness is the key to success. It means ki jo success hai, aapki jo safalta hai, wo aapki happiness ki taraf nahi leke jati hai aapko, but aapki jo khushi hai, aapki jo happiness hai, wo hamesha aapko aapki jo success hai, safalta hai, uski taraf leke jayegi. तो सबसे पहला काम हमारा यही कि हमें हमेशा ऑलवेज बी हैप्पी, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। और जब हम खुश रहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारी जो सक्सेस है हम उसको अचीव कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि सफलता सारी सब कुछ हमारे लिए नहीं लेके आ सकती है, बट जब तक मनुष्य खुश रहता है तो सारी की सारी जो चीजें हैं वो खुद ही अचीव उसको हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे क्लास 12th हिस्ट्री में चैप्टर किंग्स एंड क्रॉनिकल्स की, यानी कि राजाओं के बारे में और इतिवृत्त के बारे में। अब पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो क्रॉनिकल्स हैं, इतिवृत्त हैं, हम किसके बारे में रीड कर रहे हैं इसमें। तो ये हम पढ़ रहे हैं मुगल दरबार के बारे में, मुगल डायनेस्टी के बारे में, जो कि इंडिया में स्टैब्लिश हुई थी 1526 में। अब उसके बाद बात आती है कि क्रॉनिकल्स होते क्या है। तो क्रॉनिकल्स होते हैं जो मुगल दरबार में जो वृतांत लिखे गए थे उनसे रिलेटेड, उनको कहा जाता है कि जो उनके वृतांत थे जिसमें पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया था मुगल एम्पायर के बारे में, कि भारत में मुगल एम्पायर के स्टैब्लिश से लेके उसके डिक्लाइन होने तक का जो टाइम पीरियड था, तो उनके बारे में कौन कौन से राजा आए मुगल जो डायनेस्टी में रूल करने वाले थे, किन किन राजाओं ने इंडिया में काम किया मुगल एम्पायर में, साथ में कौन कौन से वृतांत उन्होंने लिखे जिसमें कि उन्होंने पूरे के पूरे मुगल एम्पायर का डिस्क्रिप्शन दिया है। तो कहते हैं कि जो 15 और जो 16 सेंचुरीज का टाइम पीरियड था उसमें बहुत से इंसिडेंट हुए, बहुत सी घटनाएं हुई। जैसे कि कह सकते हैं रिनेसेंस, पुनर्जागरण हुआ इस टाइम में, जो रिलीजियस रिफॉर्म्स था, रिफॉर्मेशन था वो हुआ, यानी कि धर्म सुधार आंदोलन चले बहुत सारे, पुनर्जागरण हुआ। उसी प्रकार से जब इंडिया की बात करते हैं हम 15th और 16th सेंचुरी के बाद में, तो कह सकते हैं कि ये भी इंडिया की इंडियन हिस्ट्री में एक नए मोड़ के रूप में हम इसको बोल सकते हैं। वो बात आती है कि जो मुगल डायनेस्टी थी उसके फाउंडर इंडिया में कौन थे, वो थे बाबर। और जब बाबर ने इंडिया में एंट्री की तो उसके साथ ही उन्होंने वहां पे इंडिया में मुगल जो डायनेस्टी थी उसको स्टैब्लिश कर दिया था। लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू अबाउट क्रॉनिकल्स एंड टेक्स्ट विच प्रेजेंट ए कॉन्टिन्यूस क्रॉनिकल्स रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, जो कि किसी भी घटनाओं के बारे में हमें लगातार हमें उन चीजों के बारे में बताते रहे। जैसे हम अपने चैप्टर में रीड कर रहे हैं मुगल डायनेस्टी के बारे में, मुगल एम्पायर के बारे में, तो मुगल एम्पायर के कंटिन्यूअसली जो इवेंट्स, जो घटनाएं हुई थी उस टाइम में, वो जो चीजें हमें मिलती है वो हमें कहाँ मिलती है, या तो उनकी टेक्स्ट से मिलती है या फिर हमें मिलती है क्रॉनिकल्स से मिलती है, इतिवृत्त से मिलती है। अब उसके बाद बात आती है मुगल रूलर की। मुगल रूलर्स बिलीव इन डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप। अब जो मुगल रूलर थे वो क्या चाहते थे कि वो राज्य को बांटने की जो उनकी कह सकते हैं कि प्रोसीजर थी उसमें बिलीव करते थे। तो सबसे पहले मुगल डायनेस्टी के जो स्टेब्लिश करने वाले जो फाउंडर थे वो थे बाबर। अब बाबर के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैं आपको बताती हूँ कि बाबर जो थे रूलर थे फरगाना के, फरगाना जो प्रेजेंट में हमारी कंट्री है कौन सी, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान का एक पार्ट था, एक एरिया था ये। तो मुगल के बारे में जब बात करते हैं, मुगल एंड देयर एम्पायर, ओरिजिन ऑफ मुगल, तो उसके बाद बात आती है कि जो मुगल्स थे उनका ओरिजिन था जो, वो कहां से हुआ था। तो मुगल्स जो सबसे पहले बाबर थे, द फर्स्ट मुगल रूलर वॉज रिलेटेड टू चंगेज खान फ्रॉम हिज मदर साइड, यानी कि बाबर की जो माँ थी वो किसकी रिलेटेड थी, वो थी चंगेज खान की। चंगेज खान को हम अपनी प्रीवियस जो क्लास थी 11th क्लास थी उसमें रीड कर चुके हैं चंगेज खान के बारे में। तो ये एक तरफ से तो चंगेज खान से रिलेटेड थे, यानी कि कह सकते हैं कि इनकी मदर की तरफ से ये चंगेज खान से रिलेटेड थे। साथ में उसके बाद जब बात आती है कि बाबर की,
बाबर ने इंडिया के ऊपर 5 times अटैक किया, 1519 से लेके 1526 तक, 1519 से लेके 1526 तक उसने भारत पर 5 बार अटैक किया। और 1526 में जो मुगल हमारी जो दिल्ली सल्तनत थी उसके लोदी डायनेस्टी के जो इब्राहिम लोदी थे उनको पराजित किया, डिफीट कर दिया था उनको वार में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की जब पहली लड़ाई हुई थी वो हुई थी आपकी 1526 में बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कौन थे? लोदी डायनेस्टी के, जो हमारी दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड चला था उसमें लास्ट डायनेस्टी थी जो लोदी डायनेस्टी, और उसके जो किंग थे उसके जो रूलर थे वो तो इब्राहिम लोदी। तो इन दोनों के बीच में पानीपत का जो मैदान था उसमें लड़ाई हुई 1526 में। उसके बाद इन्होंने डिफीट कर दिया, हरा दिया था किसको? इब्राहिम लोदी को। इंडिया में स्टैब्लिश क्या हो गया था? मुगल एम्पायर। तो ये यहीं से स्टार्टिंग है हमारे इंडिया में मुगल एम्पायर की। अब उसके बाद देखते हैं कि जो बाबर थे वो फाउंडर थे किसके? मुगल डायनेस्टी के। उसके बाद 1526 में स्टैब्लिश करने के बाद वो 4 साल तक उन्होंने रूल किया, और 1530 में 1530 में डेथ हो गई किसकी? बाबर की। अब उसके बाद बाबर की जब डेथ हो गई तो उसके सक्सेसर के रूप में, उसके उत्तराधिकारी के रूप में कौन आए सामने? उनके बेटे थे, हिज सक्सेसर नासिरुद्दीन हुमायूं। जो हुमायूं उनके बेटे थे बाबर के, वो उनकी जगह राजा बने। अब हुमायूं के बारे में बात की जाती है 1530 से लेके 40, इनके जो शासन था, इनका जो टाइम पीरियड था वो 2 phases में चला था। उसके भी बहुत सारे रीजन थे, वो डिस्कस करेंगे हम। 1530 से लेके 1540 तक का जो टाइम पीरियड था, एक टाइम पीरियड पे इन्होंने इस टाइम पे रूल किया। दूसरा इनका टाइम पीरियड था 1555 से और 56 तक का टाइम। अब इसके बाद आती है कि जब इनकी डेथ हो गई बाबर की, तो जब हुमायूं को राजा बनाया गया, तो जब हुमायूं ने, कहते हैं कि जो रीजन था, जो एरियाज थे मुगल डायनेस्टी के, उनका बहुत ज्यादा एक्सपेंशन किया था, विस्तार किया था उनका। लेकिन जो शेरशाह सूरी थे उनके साथ इनकी, इनका एक युद्ध हुआ था, और इस युद्ध के बाद क्या हुआ था कि इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को डिफीट कर दिया था और इनको एग्जाइल दे दिया था, इनको देश से बाहर निकाल दिया था। और करीब कह सकते हैं कि 15 years में ये दोबारा से अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ आए, और 1555 से लेके 1556 तक सेकंड फेज में इन्होंने दोबारा से रूल किया। यानी कि 2 phase में हुमायूं का जो टाइम पीरियड था वो चला था, 1530 से 1540 का टाइम था, दूसरा था 1555 से 56। इस टाइम पीरियड के दौरान क्या हुआ था कि शेरशाह सूरी ने इनको डिफीट किया था, उसके बाद दोबारा से ये पूरी प्रिपरेशन के साथ आए, तो उन्होंने फिर दोबारा से जो शेरशाह सूरी थे उनको पराजित कर दिया, और उसके बाद 1555 से 56 तक इन्होंने शासन किया, और 1556 में फिर इनकी डेथ हो गई। अब इसके बाद बात आती है कि जब हुमायूं के सक्सेसर बट लो स्टेटेड द अफगान लीडर शेरशाह सूरी सफाविद रूलर ऑफ ईरान। अब बात बताते हैं आपको कि जो शेरशाह सूरी थे वो कहाँ के शासक थे? वो शासक थे रूलर ऑफ ईरान के, सफाविद वंश से रिलेटेड थे और ईरान के ये शासक थे जिन्होंने इनको डिफीट किया था। अब 1555 में मैंने आपको बताया कि शेरशाह सूरी को इन्होंने दोबारा से डिफीट कर दिया, और नेक्स्ट ईयर यानी कि 56 में ही जो हुमायूं थे उनकी डेथ हो गई थी। अब इनके सक्सेसर के रूप में कौन आ रहा है? इनके सक्सेसर के रूप में आ रहे हैं इनके बेटे अकबर, अकबर द ग्रेट, जिनको हमारी हिस्ट्री में किस नाम से जाना जाता है? महान अकबर के नाम से। बहुत सारे रीजन थे इसके, कह सकते हैं कि बहुत दयालु थे, काइंड पर्सन थे, बहुत परोपकारी थे, और हमेशा ही जनता की जो बेनिफिट थे उनके लिए काम करने वाले थे, इसलिए हिस्ट्री में इनको जो टाइटल दिया जाता है क्या ले रहा है, अकबर द ग्रेट का, अकबर महान का जो टाइटल इनको दिया जाता है। अब उसके बाद आज बात आती है, इन्होंने बहुत सारी, कह सकते हैं हर एक कम्युनिटी के लिए काम किया अकबर ने। अकबर का टाइम पीरियड था 1556 से 1605 तक, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द मुगल एम्परर्स। अकबर जो थे वो मुगल एम्परर्स थे, उनमें सबसे ज्यादा महान, सबसे अच्छा काम करने वाले एम्परर के रूप में इनको याद किया जाता है। अकबर एक्सटेंडिंग द फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर टू द हिंदूकुश माउंटेन। हिंदूकुश माउंटेन तक इन्होंने अपनी सीमाओं का विस्तार किया, अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, फ्रंटियर्स का विस्तार किया, अपने राज्य को और ज्यादा कह सकते हैं कि डेवलप इन्होंने किया था। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अकबर की, कि जो अकबर थे उन्होंने 2 बहुत बड़े काम किए गए थे, इसीलिए ही इनको ग्रेट होने का टाइटल नहीं मिला था, कि 1567
1563 में और 1564 में इन्होंने कह सकते हैं कि जो अलग अलग कम्युनिटीज थी उनके लिए बहुत ज्यादा काम किया था। 1563 में इन्होंने क्या किया था कि जो तीर्थ यात्रा के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता था उस टाइम पीरियड के दौरान हिंदुओं के ऊपर, कि जब आप तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, इस टैक्स को उन्होंने हटा दिया और कहा कि सभी लोग इक्वल है, सभी लोगों को अपने अपने धार्मिक कह सकते हैं जो कार्य करने की छूट हम देते हैं। साथ में दूसरा उन्होंने क्या किया था कि 1564 में जजिया टैक्स लगाया जाता था जो गैर मुस्लिम लोग थे उनके ऊपर, तो गैर मुस्लिम लोगों के ऊपर से यानी कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको छोड़कर बाकी जो कम्युनिटीज थी उनके ऊपर ये टैक्स था। 1564 में इन्होंने इस टैक्स को भी हटा दिया था। ये सारा का सारा जो काम कर रहे थे अकबर, किस चीज के लिए, क्या शो हो रहा था इससे, कि वो ये कह रहे थे कि जी मेरे की किसी प्रकार से मेरे भी राज्य में जितने भी लोग रहते हैं वो सभी इक्वल हैं, चाहे वो हिंदू है मुस्लिम है या किसी भी और अदर एनिक जो कम्युनिटीज हैं उनसे रिलेटेड हैं। ये दो काम ही इस चीज को शो करते हैं उनके, कि 1563 में जो उन्होंने तीर्थ यात्रा के ऊपर से टैक्स हटाया था और 1564 में उन्होंने जो जजिया टैक्स था जो बाकी कम्युनिटीज से लिया जाता था वो उन्होंने हटा दिया था। इस टैक्स को आगे जो टाइम पीरियड आएगा मुगल डायनेस्टी में उसमें लागू करने वाले थे औरंगजेब, दोबारा से औरंगजेब ने इस कर को स्टार्ट कर दिया था, टैक्स को स्टार्ट कर दिया था। तो कह सकते हैं कि जो अकबर हैं उन्होंने एक तो अपनी फ्रंटियर्स का बहुत ज्यादा विस्तार किया, अपनी सीमाओं का बहुत ज्यादा विस्तार किया, साथ में उसके बाद कह सकते हैं कि जो उन्होंने काम किए किसी भी धर्म से रिलेटेड सभी धर्मों के लिए उन्होंने कह सकते हैं कि काम किए थे, इसलिए ही उनको हिस्ट्री में टाइटल मिला हुआ है अकबर द ग्रेट का। अब उसके बाद बात आती है थ्री एबल सक्सेसर। अब जब अकबर सबसे महान के रूप में काम कर रहे हैं तो उसके बाद जो सक्सेसर उनके आने वाले हैं, जो उत्तराधिकारी उनके आएंगे, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरावट आने शुरू हो जाती है। तो इनमें सबसे पहला नाम आता है जहांगीर का। जहांगीर अकबर के बेटे थे और इन्होंने रूल किया था 1605 से लेके 1627 तक, 1627 तक, 27 में इनकी डेथ हो गई थी। और जो जहांगीर हैं, जहांगीर की डेथ के बाद उनके नेक्स्ट जो थे उनके बेटे थे शाहजहां, जो कि 1628 और 58 तक का उनका टाइम पीरियड माना जाता है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी शाहजहां की, कि जो शाहजहां थे इनका जो बचपन का नाम था वो था खुर्रम, और ये जब गद्दी पर बैठे तो इन्होंने अपना नाम चेंज करके क्या कर लिया था, शाहजहां कर लिया था। अब उसके बाद आता है कि अकबर की नीतियों को इन्होंने ही अडॉप्ट किया था, यही उनकी नीतियों को कह सकते हैं कि ज्यादातर अडॉप्ट कर रहे थे। अब इनके टाइम पीरियड की जब बात आती है शाहजहां के टाइम पीरियड की, तो इनके टाइम में एक बहुत बड़ा हमें एग्जाम्पल मिलता है इनके अंदर डिस्प्यूट का, वो किस चीज के बारे में, कि इनके जो बेटे थे इनके बेटों के बीच में उत्तराधिकार का जो युद्ध था वो शुरू हो गया था, कि जो शाहजहां हैं उनकी डेथ के बाद जो कह सकते हैं कि जो राजा बनने की प्रोसीजर थी उसमें कौन राजा बनेगा। अब इनके बेटे में क्या हुआ कि सभी में आपस में लड़ाई हुई, तो इनके बेटे तीन बेटे थे जिसमें दारा शिकोह, मुराद और सुजा, ये तीनों की डेथ हो गई और इनको मारने वाले कौन थे, औरंगजेब थे। इनके चार बेटों के बीच में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो रहा है जिसमें की डेथ हो जाती है शिकोह, सुजा और दारा शिकोह की, सुजा की और साथ में मुराद थे। अब इनके बाद औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने शाहजहां को उन तीनों को मार दिया और साथ में जो शाहजहां थे उनको जेल में डाल दिया और 1658 में जो थे इनकी वहीं पर डेथ हो गई थी। तो इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि क्रिटिकल कंडीशंस के रूप में काम करने के लिए याद किया जाता है हमेशा शाहजहां को। वैसे शाहजहां को एक चीज और भी उसके लिए याद किया जाता है कि इन्होंने जो हमारा ताजमहल है उसका निर्माण करवाया था। अब उसके बाद बात करते हैं हम औरंगजेब की। औरंगजेब शाहजहां के बेटे थे और अपने पिता को जेल में डालने के बाद ये फिर क्या बने थे, वहां के राजा बने थे। अब बात करते हैं औरंगजेब की, तो इनका टाइम पीरियड था 1658 से लेकर 1707 तक, 1707 तक का इनका टाइम पीरियड था। 1707 में जब इनकी डेथ हुई तो इसके बाद मुगल डायनेस्टी जो थी वो डिक्लाइन होती शुरू हो गई थी। हम आज बात कर रहे हैं मुगल डायनेस्टी में इम्पोर्टेंट्स जो कह सकते हैं महत्वपूर्ण जो स्थान रखते हैं हिस्ट्री में पूरे के पूरे रूलर्स के जो इसके फाउंडर थे वहां से हमने स्टार्ट किया था, और कह सकते हैं कि जिन्होंने हिस्ट्री में बहुत अच्छा काम किया है मुगल डायनेस्टी में उन रूलर्स को। अब जो इसका टाइम पीरियड था औरंगजेब का, उसके बाद जितने भी कह सकते हैं कि जो राजा बने, पहले तो इस पीरियड को ही नाम दे दिया गया था लेटर मुगल एम्पायर, उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य। उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य का मतलब क्या होता है,
कि जब आपका धीरे धीरे जब आपकी जो सिचुएशन होती है, जो प्रोसीजर होती है, वो धीरे धीरे गिरनी स्टार्ट हो जाती है। और ये टाइम पीरियड मुगल डायनेस्टी में कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था औरंगजेब की डेथ के बाद, यानी कि 1707 के बाद। तो हमने देखा कि 1526 से लेकर 1707 तक का जो टाइम पीरियड है उसको माना जाता है मुगल में बहुत ही प्रोग्रेस का टाइम पीरियड माना जाता है। एंड आफ्टर द टाइम ऑफ 1707 से 1857 इट इज कॉल्ड द लेटर मुगल एम्पायर पीरियड। तो इसके बाद आ जाती हैं, अब हम बात करते हैं 1857 के रिवोल्ट की, 1857 की जो क्रांति हुई थी। अब इसकी बात आती है इसके लास्ट एम्परर की, कि इसकी जो, क्योंकि औरंगजेब की डेथ के बाद कोई भी इनका जो राजा था वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, इतना ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया था कि वो मुगल डायनेस्टी को आगे लेके जाए। आगे ले जाने की बजाय क्या हो रहा था कि उनका डिक्लाइन शुरू हुआ था, उनका पतन शुरू हो गया था, वो जितना भी एरियाज उनके पास थे उनको भी खोते जा रहे थे। इसलिए इसको नाम दिया जाता है लेटर मुगल पीरियड का। अब उसके बाद बात आती है कि 1857 में लास्ट एम्परर कौन थे इनके? लास्ट एम्परर थे बहादुर शाह जफर सेकंड। हमने रीड भी किया हुआ है इसमें कि बहादुर शाह जफर सेकंड को 1857 का जब रिवोल्ट हुआ तो उनको कह सकते हैं कि नेशनल लीडर के रूप में इन्होंने चूज किया था कि आप हमारी जो क्रांति है उसको लीड करिए, यानी कि जो क्रांति हुई थी स्टार्ट वो उन्हीं के नाम पर चली थी। तो बहादुर शाह जफर को क्या हुआ कि ओवरथ्रोन बाय ब्रिटिश, कि जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने क्या किया, इनको बंदी बना लिया। और बंदी का बनाने का क्या रीजन था कि 1857 की क्रांति इंडिया में शुरू हो चुकी थी और उस क्रांति के को किसके नाम पर लीड किया जा रहा था? बहादुर शाह जफर सेकंड के नाम पर, जब लीड करने वाले राजा को ही वो पकड़ रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इनको वहां पर रंगून में इनको भेज दिया, यानी कि इंडिया से बाहर ही इन्होंने भेज दिया। और उसके बाद इनकी वहां पर डेथ हो गई थी। तो इस प्रकार से कह सकते हैं जो आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर 1862 के बाद जो मुगल डायनेस्टी थी वो इंडिया से बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस स्टार्टिंग से देखा, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो मुगल दरबार के इतिवृत्त जो वृतांत हैं वो हमें किसके बारे में बताते हैं। इसे में आपके दो चैप्टर हैं इससे रिलेटेड। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया है मुगल एम्पायर के जो रूलर्स थे उनके बारे में। इसके बाद हम इसके देखेंगे कि इनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था मुगल एम्पायर का किस प्रकार का था, अलग अलग राजाओं के टाइम पीरियड के दौरान किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर था, पॉलिटिकल भी, एग्रीकल्चर भी, किस किस प्रकार के उन्होंने टैक्स पे किए हुए थे, लैंड रिवेन्यू था वो कैसे कलेक्ट किया जाता था। तो सबसे पहले हमने डिस्क्रिप्शन देखा है आज की जो ग्रेट रूलर है मुगल एम्पायर के, जो इनको स्टेब्लिश करने से लेके और इनकी जो डिक्लाइन टाइम पीरियड था, इनकी इनका जो पतन का टाइम पीरियड था उसके बारे में आज हमने डिस्कस किया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम रीड करेंगे अबाउट द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक जो फेज था मुगल एम्पायर का। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।